अगर प्लेन चलाते समय पायलट सो जाए तो प्लेन क्रैश नहीं होगा, क्योंकि प्लेन में EICAS यानी इंजन इंडिकेटिंग एंड क्रू अलर्ट सिस्टम, ये एक सिस्टम होता है जो पायलट की हर एक्टिविटी को नोट करता है। तो ऐसे में मान लो अगर पायलट सो गया है और वो प्लेन की किसी भी कंट्रोलिंग डिवाइस को नहीं छू रहा है, तो एक निश्चित समय के बाद ये सिस्टम पायलट के पास एक रिस्पॉन्स वार्निंग भेज देता है, जिसे रोकने के लिए पायलट कोई भी बटन दबा सकता है। लेकिन अगर पायलट सो रहा होगा तो वो कोई बटन नहीं दबाएगा। दरअसल जिसे इस सिस्टम को ऑटोमेटिक ही पता चल जाता है कि पायलट सो रहा है, इसलिए कुछ समय बाद ये सिस्टम अलर्ट हॉर्न को तेजी से बजवाने लगता है। इसकी आवाज इतनी तेज होती है कि पायलट को नींद से उठना ही पड़ता है। अगर कोई पायलट जागते हुए नींद में रहता है ये फिर किसी तरह की लापरवाही कर जाए तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। इस तरह का एक हादसा एक बार इंडिया में हुआ था 22 मई 2010 को। एयर इंडिया की फ्लाइट 812 दुबई से बैंगलोर की ओर जा रही थी, जिसमें 152 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स थे। उस प्लेन में ज्यादातर भारत के गरीब मजदूर थे जो दुबई काम करने गए थे और अब वापस अपने परिवार से मिलने आ रहे थे। इस प्लेन के एक पायलट का नाम जियाकोबो ग्लुसिका और दूसरे पायलट का नाम हरविंदर सिंह था। ये जहाज जब दुबई से उड़ा तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब जहाज ने अपना पूरा रास्ता तय कर लिया और बैंगलोर के लिए एयरपोर्ट में उतरने लगा तो ये जहाज रनवे पर नहीं रुका और जाकर रनवे के पास मौजूद पहाड़ से टकरा गया और जहाज में आग लग गई और इस प्लेन क्रैश में 158 लोग मारे गए। जब जहाज का ब्लैक बॉक्स डिस्कवर किया गया तो दोनों पायलट के बीच में होने वाली बातें सामने आई, जिसे ये पता चला कि प्लेन उड़ाते समय प्लेन का पायलट जियाकोबो सो गया था। इसके खर्राटे की आवाज ब्लैक बॉक्स में साफ साफ सुनाई दे रही थी। ये इतनी नींद में था कि जहाज को सही से लैंड नहीं कर पाया और जहाज रनवे पर ना रुक कर पहाड़ से जाकर टकरा गया। जहाज का दूसरा पायलट हरविंदर सिंह उसे आवाज दे रहा था, लेकिन फिर भी वो काफी नींद में था। हवाई जहाज को रास्ता कैसे पता चलता है? आप में से बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि जहाज कहीं से भी आ या जा सकता है, लेकिन नहीं, हवाई जहाज के चलने के लिए भी एक रास्ता होता है। इन रास्ते को देखने के लिए पायलट रेडियो रडार सिस्टम का यूज करते हैं। इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी होते हैं जो पायलट को ये बताते हैं कि हवाई जहाज को कितनी ऊंचाई पर उड़ाना है। ये रास्ता एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रेंज में होता है, जिससे जो भी प्लेन जिस रास्ते पर जाए उसका पता चलता है और दो प्लेन आपस में टकराए नहीं। पहले के समय में प्लेन उड़ाने के लिए पायलट पहाड़, घर, जमीन, रेलवे लाइन को देख कर रास्ता बनाते थे, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने तीरों का यूज करना शुरू कर दिया। जमीन पर बने ये तीर इतने बड़े होते थे कि आकाश से भी इन्हें देखा जा सके, लेकिन ये तीर रात में नहीं दिखाई देते थे, इसलिए इन तीरों के पास में लाइट लगा दी गई। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद रेडियो रडार सिस्टम का यूज करना शुरू किया गया, जो आज भी यूज किया जा रहा है। ये सबसे सुरक्षित भी माना जाता है। हालांकि एक सर्वे में बताया गया है कि दिन के समय में पायलट एक झपकी जरूर लेते हैं और 100% पायलट में से 66% पायलट दिन के समय में बिना किसी को सूचना दिए सो जाते हैं जाने अनजाने में। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पायलट प्लेन में सो जाए तो आप कितनी सुरक्षित हैं। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।